दोस्तों Realme Buds Wireless 3 और OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC को मैंने साइड बाय साइड दो हफ्ते से यूज किया है और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है। DVD सेल होने वाली है और आपको नेक बैंड तो चाहिए ही होगा ना। अब तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। दोनों ही लाइट वेट है और नेक के अराउंड दोनों ही बहुत कंफर्टेबल है। Realme में लेफ्ट साइड में ये कंट्रोल वाले बटन्स दिए हैं और OnePlus में राइट साइड में कंट्रोल वाले बटन्स दिए हैं। इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है और OnePlus में आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है। बाकी जो वायर की क्वालिटी है यार डिट्टो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही बहुत कंप्लेंट्स आती है Realme और OnePlus नेक बैंड्स में कि वायर खराब हो गया, तो अब पता नहीं इसमें होगा कि नहीं। Realme के बटन्स भी है ना वो भी बहुत ही ग्लॉसी वाले हैं एंड इसके OnePlus के बटन्स जो हैं वे बिल्कुल रबर वाले दिए हुए हैं। जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में OnePlus थोड़ा ज्यादा प्रीमियम दिखता है। दोनों के ही मैग्नेट्स बहुत ही सही दिए हैं। दोनों ही नेकबैंड ऐप को सपोर्ट करते हैं। OnePlus की बात करते हैं, Hey Melody ऐप का सपोर्ट मिलता है। ऐप के अंदर ज्यादा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भाई ऐप में नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में आप स्विच कर सकते हो। वैसे इसका मिडिल बटन भी 2 सेकंड के लिए प्रेस करो तो भी आप स्विच कर पाओगे। साउंड मास्टर दिया है और अपने म्यूजिक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट जो दिया है वही बेटर है एंड दैट्स इट। ज्यादा कोई फीचर देखने को नहीं मिलता है कंपेयर टू Realme जिसमें भर भर के फीचर्स आपको मिलते हैं ऐप के अंदर। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको ऐप में तभी दिखाई देगा जब आपका फोन डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता हो। इस ऐप में भी आप नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हो। 4 साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर लेना। वैसे जो डिफॉल्ट है वही सही है। एंड इक्वलाइजर में आप अपने म्यूजिक टेस्ट के हिसाब से लो मिड हाई को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही आपको डायनामिक बेस देखने को मिलता है, बेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। स्पेशल साउंड का फीचर मिलता है जो कि अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। एंड बाकी फाइंड माय फोन एंड गेम मोड जैसे फीचर्स आपको दिखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो Realme में आपको मिलता है वो है ड्यूअल कनेक्शन। एक ही साथ आप 2 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो इसको। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि दूसरा डिवाइस में आपको ऑडियो सुनना है तो पहले डिवाइस में मैन्युअली जाकर आपको ऑडियो को पॉज करना होगा। लेकिन OnePlus में यार ड्यूअल कनेक्शन नहीं है, ड्यूअल स्विच मिलता है। भाई बटन दबा के आप दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो लेकिन पहला डिवाइस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब Realme ज्यादा फीचर देता है। हाँ जूलियन, इसमें ज्यादा फीचर्स हैं। और हाँ, आप लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई साउंड का क्या डिफरेंस है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो शुरू करते हैं बेस लवर्स के लिए जिनको बेस बहुत ही बूस्ट करके बिल्कुल ढिंचक ढिंचक बेस पसंद है। बेस के मामले में OnePlus बहुत ही ज्यादा बेस देता है एंड Realme भी अच्छा बेस देता है, कंपेयर टू OnePlus कम रहे थोड़ा। लाउडनेस तो यार दोनों की ही बढ़िया है। OnePlus जो इतना ज्यादा बेस देता है ना, वोकल्स और ट्रेबल्स को बहुत ही दबा देता है। जब बात आती है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने की सॉन्ग्स के अंदर, तो वो आपको OnePlus में थोड़ा कम समझ में आता है कंपेयर टू Realme जिसमें जो बेस है वोकल्स और ट्रेबल्स वो तीनों वेल बैलेंस्ड है। इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहती है, साउंड सेपरेशन अच्छा है। हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु भोजपुरी किसी भी तरह का सॉन्ग सुनना हो, कोरियन ही क्यों ना सुनना हो, सब तरह के सॉन्ग आप Realme में एंजॉय करोगे। नहीं, मैंने Realme पहन के वो सॉन्ग सुना था छलिया तेरी ओर वाला, मजा आ गया था। अरे अरे कहाँ जा रही हो? मैं तो दोनों का ब्लूटूथ रेंज चेक करने जा रही हूँ। वो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। दोनों ही नेक बैंड्स यार घर के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक रूम से जब दूसरे रूम में जाओ लगभग लगभग वही रेंज रहती है दोनों की। आउटडोर में मैंने टेस्ट किया तो यार OnePlus जो है ज्यादा दूर तक आपको रेंज देता है। तो बारी आ गई है बाहर जाकर नॉइस कैंसिलेशन वगैरह देखने की, माइक टेस्ट करने की। तो इस टाइम मैंने पहना हुआ है Realme और माइक कैसा है इसका आइडिया आप लोग लगा सकते हो। पीछे ट्रैफिक भी जा रहा है। तो अब मैंने पहन लिया है OnePlus का नेक बैंड एंड पहनते ही मुझे फील हो रहा है कि इसका ANC जो है वो ज़्यादा बेटर है Realme के कंपैरिजन में। तो माइक किसका अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी रही बात ANC की, तो भाई मैंने दोनों ही नेक बैंड्स को यूज किया है, वेब सीरीज वगैरह देखी है एंड मैं विदाउट एनी डाउट कह सकती हूँ कि OnePlus का जो ANC है वो थोड़ा बेटर है Realme के ANC से। तो यार तुम लोग नेक बैंड खरीदोगे तो कॉलिंग भी तो करोगे ना, और उसके लिए मैंने अपनी फ्रेंड विशाखा से पूछा कि कॉलिंग किस में ज्यादा अच्छी है, वो भी बाहर बाइक पे बैठ के आपके खाते। मुझे कॉलिंग टेस्ट करनी है OnePlus के नेक बैंड की। अच्छा, तो बताओ कि वॉइस क्लैरिटी कैसी है और लाउडनेस कैसी है। हो कहाँ पे कि मैं बाइक के ऊपर हूँ।
पता नहीं चल रहा है, रास्ते में पता नहीं चल रहा, विंड वगैरह की भी आवाज नहीं आ रही। बस तुम्हारे आवाज में थोड़ा मींस लग रहा है कि तुम शायद वॉक कर रही होगी या फिर कर रही होगी, लेकिन ट्रैफिक वगैरह की कोई आवाज नहीं है। विंड की भी नहीं आ रही है हवा वगैरह की? विंड की थोड़ी बहुत है, हल्की फुल्की है, मान लो शायद ट्रैफिक की आवाज आई, ट्रैफिक की आवाज आई अभी। चलो मैं रियलमी लगा के चेक करूं, बताओ अभी इसमें विशाखा। हाँ 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 मैंने रियलमी चेक कर लगा लिया। हाँ हाँ बताओ कैसी है, कंडीशन है? नहीं बे, ये इसका अच्छा नहीं है, मीन्स वन प्लस मुझे ज्यादा सही लगा। बहुत डिफरेंस है। हाँ बहुत डिफरेंस है, ट्रैफिक के वॉइस में बहुत डिफरेंस है बे। अब जी खेलने वाले हो, गेमिंग टेस्ट चाहते हो, तो भाई दोनों में ही बहुत ही क्लियर डिफरेंस है। रियलमी ना के बराबर बिल्कुल लेटेंसी देता है, लेकिन वन प्लस में लेटेंसी बहुत ज्यादा है, 94 ms के आसपास वाली है, अगर आप वन प्लस का डिवाइस यूज कर रहे हो, कोई और ब्रांड का यूज कर रहे हो ना बीबीके के अलावा, तो फिर आपको ज्यादा ही लेटेंसी मिलेगी, तो इसमें पूछने की बात ही नहीं है क्या यूज करना चाहिए। और हाँ, आपका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कंफर्टेबल किस में ज्यादा मैं थी इतना ज्यादा लंबे टाइम तक यूज करने के बाद। तो देखो, जो ईयरबड्स वाली साइज है ना, वो वन प्लस की छोटी है थोड़ी सी कंपेयर टू रियलमी वाली, लेकिन मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ है, मुझे रियलमी में ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ कंपेयर टू वन प्लस। आई होप कि मैंने ए टू जी सारा कंपैरिजन, सारा काला चिट्ठा खोल के रख दिया है दोनों ही नेक बैंड्स का। एंड अगर आपको पसंद आया इसमें से तो फटाफट से ले लेना यार, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दूसरे लोगों तक भी मेरा वीडियो है पहुंचेगा, हम लोग ग्रो करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे 10,000 सब्सक्राइबर्स तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।